हेलो ग्रोवर्स, होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले आई एम एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी कि बीच में बहुत लंबा गैप हो गया, मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन इस लंबे समय के बाद आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जो एक कपास के पौधे के ऊपर है। और ये मैंने अपने बाहर यार्ड में नीचे जमीन में ही लगा रखा है, कोई पॉट में नहीं लगाया है। हाँ, लेकिन अगर पॉट में लगाएंगे उसके लिए कुछ कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए, ये कपास के जो पौधा है उसकी पत्तियां हैं, थोड़ा सा काफ़ी आंधी आई थी और थोड़ी हल्की बारिश हो गई, इसलिए थोड़ी एक पत्तियां तो आपको गंदी दिख रही होंगी। वैसे बहुत अच्छा फ्रेश पौधा मैं इसको रखती हूँ। और ये देखिए, इसमें अभी ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं। और ये इसकी एक ख़ास बात, ये मतलब बहुत सी दवाइयों के काम आता है, यहाँ तक कि इतना इसको इस बारे में जैसे आप यूट्यूब में और बाकी भी सर्च कर सकते हैं कि जो भी मतलब वुमेन से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं वो सब आप इस कपास के पौधे से दूर कर सकते हैं। इसके फल फूल पत्ती हर चीज़ एक औषधि वाली होती है, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, इसे कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स के लिए, जब वो छोटा सा वो एक बर्ड टाइप निकलता है, फिर ये इस तरह के फ्लावर्स निकलते हैं। इसके फ्लावर्स अपना कलर चेंज करते, लास्ट में एट लास्ट इस तरह का बन जाता है। और जब ये और ड्राई हो जाता है तब इसकी के अंदर रुई होती है। और ये देखिए कितने सारे इसमें अभी फूल लग चुके हैं, और इसमें काफ़ी कलरफुल फूल होते हैं, पिंक और येलो वाइट इस तरह के होते हैं। फूल एक ही होता है बट वो अपना कलर थोड़ा चेंज करता रहता है, और लास्ट में जब तक वो कपास बन के तैयार होती है। और इसका फूल बहुत ही प्यारा लगता है, कोई स्मेल नहीं होती लेकिन फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसकी पत्तियाँ थोड़ी हार्ड होती हैं, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये हार्डली केयर पौधा है और बहुत आराम से ये तैयार हो जाता है। एक बार ये तैयार हो जाता है तो इसके बीच से आप इसको काफ़ी तैयार कर सकते हो, और भी बहुत सारे पौधे हो सकते हैं। और इसकी आप कटिंग करते रहिएगा, ये काफ़ी पुराना पौधा हो गया है, इसकी हम सिर्फ नीचे से कटिंग कर देते हैं और बाद में अपने आप वो फिर से नया पौधा बन के खड़ा हो जाता है। और ये देखिए, ये जो इसकी शेल होती है जब सूखने पे और काफ़ी बड़ा सा हो जाएगा, फिर ये ड्राई होएगा, ये महीने या डेढ़ महीने बाद ये एकदम ड्राई हो जाएगा, और फिर इसके अंदर अपने आप ये मतलब फूट जाता है, मतलब बीज से इसके चार भागों में डिवाइड हो जाता है और रुई बाहर आ जाती है। और उसी रुई को आप निकाल लीजिए, उसी के अंदर बीज भी होते हैं, चाहे तो आप उसको नेक्स्ट जर्मिनेशन के लिए रख सकते हैं। या और ये देखिए, इसकी आप जैसे मैंने ग्राउंड में लगाया है तो ज़्यादा उसकी मतलब जरूरत नहीं है, आप इसकी पानी वानी अच्छे से इसको डालते रहिएगा तो बहुत अच्छा ये ग्रो करता है। और आप ये देख रहे होंगे, ये काफ़ी बड़ा सा पेड़ हो गया था लेकिन बरंदरों ने इसको इतना ऐसा तोड़ दिया तो पूरा नीचे तक छिल गया था, और ये दोबारा फिर अपने आप खड़ा हो गया है। और अगर आप ये पॉट में लगाते हैं तो आपको ये पॉट में लगाने का ये है कि एक बार जब इसमें रुई अच्छे से आ जाती है तो आपको वो पौधा चेंज करके दूसरा पौधा लगाना पड़ता है, इसलिए स्टेप बाई स्टेप आप एक पौधा नया छोटा सा रखिए, जब एक ख़त्म हो जाए तो उसको हटा के दूसरा लगा दीजिए। ये देखिए, इसे बहुत प्यारा सा पौधा है, ये काफ़ी अच्छा एक प्लांट ट्री बन चुका है और ये बहुत अच्छा इसने ग्रो किया है। हाँ, इस पर धूप पड़नी बहुत ज़रूरी है, अगर आप पॉट में भी लगाते हैं तो उसको आप थोड़ी सनलाइट अच्छी प्रोवाइड जहाँ हो उसके लिए वहीं पे उसको आप रखिएगा। और ये देखिए, ये सबसे पहले तो एक छोटा सा सन बर्ड टाइप आता है, फिर पिंक फ्लावर हो जाता है, और फिर यही फ्लावर थोड़ा बड़ा होने पे येलो कलर का फ्लावर हो जाता है, और लास्ट में वो झड़ जाता है। उसी के नीचे से फिर जैसे ही वो येलो फ्लावर जो होता है वो झड़ जाता है, उसके नीचे से ये बड़ा सा वो उसका जो बर्ड होता है, फल होता है कपास के पौधे का, वो निकलता है। और ये देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ इस तरह का, ये अभी थोड़ा छोटा है, ये भी और थोड़ा सा बड़ा होगा, और एक से डेढ़ महीने बाद ये जब अपने आप लगे लगे इसी में ड्राई हो जाता है तब फिर इसमें से रुई आती है। और इसके लिए कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं चाहिए, आप पूरे साल इसको कभी भी लगा सकते हो, ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अब ये साल ख़त्म हो रहा है, नया साल शुरू होने वाला है, उम्मीद है आप लोग का साल बहुत अच्छा गया, आप लोग के साथ जो मेरा समय गया वो तो बहुत ही अच्छा गया, और आपको आने वाले साल के लिए बहुत शुभकामनाएं। जाते जाते आप सब लोग से बहुत एक हम्बली रिक्वेस्ट है, जो कोई हैप्पीनेस के साथ हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहता है वो प्लीज़ मेरे को मैसेज में कांटेक्ट करे। उसके लिए वर्क फ्रॉम होम का एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, मैं उसके साथ शेयर कर सकती हूँ। ये जो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो वो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करे, अपना फ़ोन नंबर पुट करें मैसेंजर बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं।